शिक्षा के मैदान से जुड़ा हूँ तो कुछ उस तरफ की बातें मैं करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। राय साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्टेट शिक्षा के मैदान से अपने आप को खींच रहा है और अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया कि विड्रॉ कर रहा है। मैं उनकी बात से जुड़ करके दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ सर कि वो सिर्फ विड्रॉ नहीं कर रहा है, जाते जाते डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। शिक्षा, पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो मूलभूत आधार है, जो बुनियादी उसकी जो बुनियादी ढांचा है, उस पर कैसे हमला हो रहा है। और इस बात को समझने के लिए मुझे बहुत दूर दराज की मिसालें आपके सामने नहीं पेश करनी पड़ेंगी, बल्कि अभी ऐसे खबर चल रही है, हिंदू अखबार में भी इसके बारे में रिपोर्ट आई है और भी जगहों पर ऐसे रिपोर्ट आ गई है। अब ये बात पब्लिक डोमेन में है, 1 हफ्ते 10 दिनों तक पहले ये पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं थी। और वो एक सर्कुलर है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जारी किया है और जारी करने उसका जो बुनियादी कंटेंट है, जो तत्व है, उसमें ये कहा गया है खासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने शिक्षक हैं उनको सरकार की किसी भी तरह की आलोचना से वंचित कर दिया गया और ये कहा गया है that they will have absolutely no right to take critical view of the government, any of its policies वगैरह वगैरह, जितने भी तमाम सारे चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की गई खासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उनका कहना है कि आप चूंकि केंद्रीय सरकार से पैसा देते हैं इसलिए आपके पास वो तमाम सारे आपके ऊपर वो तमाम सारे रूल लागू होंगे जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लागू होते हैं। अब कोई थोड़ी देर के लिए सोचे कि यूनिवर्सिटी का शिक्षा सरकारी किसी ओहदेदार की तरह से ट्रीट किया जाएगा, यह बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा कुठारा घात है। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि उस पूरी सोच, पूरी एक जो पूरी ताकत होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, क्रिटिकल सोच की, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और इसी संदर्भ में मैं आपको 2-3 बातें ऐसे बता दूं, थोड़ी व्यक्तिगत है लेकिन कई मतलब ऐसी बातें कह देनी चाहिए। पिछले दिनों फ्रंटलाइन में मेरा एक इंटरव्यू छपा था, वो इतिहास लेखन के संदर्भ में था कि यह सरकार इतिहास लेखन के मैदान में, तारीख नवीसी के मैदान में क्या कुछ कर रही है। तो मैंने उसमें एक सेंटेंस कहा था कि जो मौजूदा रिजीम है बुनियादी तौर पर एंटी नॉलेज है, यानी ज्ञान के सीधे सीधे विरुद्ध और उसकी दुश्मन है। कारण सिर्फ इतना है कि ज्ञान से उनको डर लगता है, नॉलेज थ्रेटन्स देम एंड दैट इज देयर एंटी नॉलेज। ये बात मैंने वो 2 महीने पहले इंटरव्यू मेरा छपा था और तब मैंने ही कहा था। दूसरे इतिहास के संदर्भ में ये कहा था कि अब इतिहास में ये विकृतियां नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि बुनियादी तौर पर ये इतिहास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे इतिहास हिस्ट्री के तो मैं तो हिस्ट्री का शिक्षक हूँ, तालिब इल्म हूँ, हिस्ट्री की तो घटना हो चुकी होती है जो किसी ब्लूप्रिंट के तहत सिनेमा का वो नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं होता जिसके आधार पर इतिहास अपने आप में रच जाता है। लेकिन अभी बुनियादी तौर पर पिछले 3-4 सालों में और आने वाले वक्तों में, और ये प्रवृत्ति पहले से भी मौजूद थी लेकिन अभी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर रही है, वो बुनियादी तौर पर इतिहास को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी घटनाएं नहीं हुई इतिहास में वो सब हमें बताया जा रहा है। अभी राय साहब ने बताया कि कैसे कम बड़े बड़े लोग जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं उन्होंने पार्लियामेंट का कैसे मजाक उड़ाया है, और अदीब साहब मेंबर पार्लियामेंट फॉर्मर बैठे हैं और दूसरे तमाम सारे लोग जिनका तजुर्बा हो, थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट ने 1956 में एक साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर इतना बड़ा रेजोल्यूशन अपनाया था। और ये केवल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सवाल नहीं था, पूरा का पूरा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी है, संप्रभु संस्था है, संप्रभु संस्था ने एक रेजोल्यूशन अपनाया था कि हम पूरे देश में यानी मुल्क गिर पैमाने पर साइंटिफिक टेम्पर को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज अगर उठा करके देखिए तो जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ने अपनाया था उसके संदर्भ में आज की सरकार, बड़े बड़े ओहदेदारान, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो कैसे कैसे भाषण, मंतव्य, वक्तव्य और सारी सारी चीजें थे। अब उनको लगा कि इनकी तमाम सारी बातों का समाज में बड़ा मखौल उड़ा है,
ठीक है बहुत दबाव है समाज के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बोलने की छोटी मोटी और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है। कोई फेसबुक पर कोई कुछ लिख देता है, कोई ट्विटर पर कुछ लिख देता है, कोई और किसी संदर्भ में अगर कुछ लिख देता है, तो कम से कम उसके बहाने हमें अपनी अभिव्यक्ति के आजादी के छोटे छोटे मौके मिल जाते हैं और उसके जरिए हम कुछ कहना चाहते हैं। तो सरकार को लगा कि ये भी एक अपने आप में बात है, तो तमाम तरह की पाबंदियां मान ला दें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये सरकार कभी ये सोचेगी, और अब सिर्फ सरकार ने सोचा नहीं है बल्कि उसको लागू करने पर भी उतारू है कि यूनिवर्सिटी शिक्षकों के ऊपर ये पाबंदी लगेगी कि आप सरकार की किसी पॉलिसी के तहत। थोड़ी देर के लिए अगर आप ये समझिए कि अगर मैं क्लासरूम में अपने बच्चों को आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाना चाहता हूं, जो पिछले दिनों एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कहा था कि हमारे यहां तो पहले से ये तमाम सारी मौजूद है, ये बताइए कि किस हिंदुस्तानी को अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व नहीं होता। लेकिन वो उपलब्धियां जो थी नहीं उसको उपलब्धि के तौर पर पेश करें और फिर ये कहें कि आप गर्वान्वित हो जाएं, तो अपने आप में ये मूर्खता है। बल्कि हमें ये बताया जाता कि देखिए आर्यभट्ट हमारे यहां कितना बड़ा साइंटिस्ट गुजरा, सुश्रुत कितने बड़े बायोमेडिसिन के कितने बड़े एक्सपर्ट निकले। दीज आर लेजिटिमेट क्लेम्स दैट वी ऑल एनी इंडियन विल बी वेरी प्राउड। लेकिन वो चीज जो वजूद में नहीं है उसके बारे में आप हमसे कह रहे हैं कि आप ये देखिए। और यहीं पर जिसको मैंने कहा कि आप नॉलेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इतिहास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, साइंस इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया सिवाय हम पर हंसेंगे। सबसे पहले इन्होंने देखे कि कहां कहां जिस कल्चर ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, अब सिस्टमैटिक तरीके से आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मुझे अपनी बात का पतन करनी है। दो तीन मिनट है, दो तीन मिनट है। अगर आप गौर से देखें और सिस्टमैटिक देखें कि सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है, आजादी फ्रीडम के ऊपर सबसे पहली शुरुआत इसकी होती है एनजीओ के ऊपर पाबंदी होकर। एनजीओ पर पाबंदी लगाई उन्होंने कि फॉरेन फंडिंग का की आड़ में बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों को इन्होंने बंद करने का पूरा ठेका दे रखा। सिर्फ सरकार के लोग भाषण देने लगे बल्कि एक पूरा गैंग है समाज में चलता है जो सोशल मीडिया के मैदान में दूसरे मैदान में उन्होंने लगातार हमले करे कि ये लोग नाजायज पैसा विदेश से लाते हो और देश के हित में काम नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि पैदल पे एनजीओ पर भयानक हमले हुए और बहुत सारी तंजीमें बंद कर गए। हर्षमंदर साहब के एनजीओ पर चूंकि उन्होंने बहुत क्रिटिकल व्यू लिया था तो हर्षमंदर के एनजीओ पर हमला हो गया कि जी इनकम टैक्स का हवाला दीजिए। अभी बहन साहब का एक जो तीसरा सदरवाद के ऊपर हमला कैसे हुआ, तीसरा सदरवाद एक ऐसी खातून जो है तो औरत लेकिन दिल उनका शेर का, दिमाग शायद शेर से भी ज्यादा, और लगातार एक ऐसे शख्स से लड़ रही है जिससे लड़ने की कीमत यहां से ऊपर तक का सफर बगैर वीजा के होता है। और लड़ते लड़ते आज लगातार हम ये देख रहे हैं कि एनजीओ पर हमला होते होते लगा कि अच्छा ठीक है एनजीओ पर हमला हो गया, देयर इज अनदर सेक्टर दैट वी नीड टू साइलेंस। और उस सेक्टर से बोलने की वजह से वजूद में आया है और वो है मीडिया। अभी जिक्र किया गया कि चंद एक अपवाद के तौर पर दो चार को छोड़ दीजिए तो हम ये देखते हैं कि सब भजन मंडली के लोग हैं। एक ने कहा, गुरु जी ने कहा हरे रामा हरे कृष्णा और सौ लोग हरे रामा हरे कृष्णा लगातार एकदम भजन मंडली, तो हरे रामा हरे कृष्णा की भजन मंडली चल रही। जब उन्होंने लगा कि उनको हर तरीके से, और अब सब लोग जानते हैं, बहुत पहले हमारे एक दोस्त हैं अरविंद मोहन, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तीन साल पहले वो आए हुए थे खाने में, उनसे मैंने पूछा कि अरविंद बताओ क्या चल रहा है मीडिया में, बोले मीडिया में ये चल रहा है कि पहले मीडिया सरकार के ऊपर निगाह रखती थी, अब सरकार मीडिया के ऊपर निगाह रखती है। और इसी दिल्ली शहर में चार बड़े ऐसे सेंटर्स हैं जहां मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है और उनको लगातार फोन जा रहा है ये कहते हुए कि ये क्या हो रहा, आपकी एडिटोरियल लाइन ये नहीं होनी चाहिए, ये जो रिसोर्स पर्सन एक दूसरे व्यक्ति को जो आपने बुला करके रखा हुआ है अगली मरतबा प्रोग्राम में ये नहीं देखे नहीं जाने चाहिए, इस लेवल की मॉनिटरिंग चल रही है। अब ये बताइए कि सरकार मीडिया पर, मीडिया सरकार पर निगाह नहीं रख रही है और ये बखुशी कर रहे हैं, अभी बताया गया बखुशी कर रहे हैं, और इसलिए उसके बदले में उनको
तमाम तरह के जो कंसेशन हो सकते हैं, स्टेट प्रिविलेजेस हो सकते हैं, वो सब उनके ऊपर मिलता है। उन्होंने कहा कि जी मीडिया का काम कर लिया, एनडीटीवी ने थोड़ा शोषण किया और हिंदी में तो खासतौर से अपने दोस्त जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि उनकी जान तक को खतरा है। उन्होंने लगा कि जी मीडिया भी मैनेज कर लिया, बेकार तो अखबार के तौर पर तो है। अब यूनिवर्सिटी का शिक्षक तो फैला हुआ पूरे देश में, अब ये बताइए कि ज्ञान कहां से बढ़े जब तक कि हम पिछले ज्ञान को खारिज ना करें। पिछला ज्ञान खारिज करने का मतलब एक क्रिटिकल व्यू लेना पड़ेगा कि ये जो नॉलेज है ये डेटेड है, ये जो ज्ञान हमें बताया गया है ये पुराना ज्ञान है। इसलिए कि आज की तारीख में फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, जिसको आप होराइजन कह सकते हैं, क्षितिज वो इतना बढ़ रहा है, हर 5 साल पर ज्ञान पुराना हो जाता है। इसलिए कि ज्ञान इतनी तेजी से जनरेट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, कि जो ज्ञान पिछले दिनों 20 साल में पुराना होता था वो ज्ञान आज 5 साल में पुराना हो जाता है। हम यूनिवर्सिटी के शिक्षक क्या करेंगे जब तक के पुराने ज्ञान को खारिज न करेंगे? आज उन्हीं तमाम सारे वो जो ज्ञान नहीं है उसको हमारे बड़े बड़े मंत्री उसको समर्थन देते हैं। जब हम उस ज्ञान को खारिज करेंगे, आपने कहे, आप ये कहेंगे कि आपने मंत्री के कहे हुए वक्तव्य मंतव्य को खारिज किया, लिहाजा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल के तहत आते हैं और आपको पनिशमेंट दिया जा सकता। यानी शिक्षा का मैदान जो बिल्कुल खुला मैदान होना चाहिए, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, उस शिक्षा के खुले मैदान में आज हमारे सामने पाबंदियों के इतनी बड़े बड़े पहाड़ गिराए जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ यही नहीं कि हम सेकुलर और डेमोक्रेटिक कैसे रहे, बल्कि अगर ये खेल हो गया तो हम साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, ज्ञान के मैदान में, सोशल साइंस, दूसरे किसी भी सारे मैदान में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कि ज्ञान के आगे बढ़ने की पहली शर्त है कि हम पिछले ज्ञान को या तो कुछ हम उससे हासिल कर लें या फिर उस ज्ञान को हम रिजेक्ट करें। लेबोरेटरी हम जाते हैं तो इसी आधार पे जाते हैं कि पिछला ज्ञान नाकाफी है और हम इससे हम ज्ञान आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज तमाम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स के ऊपर बाजाबता अभी आप कुछ कहेंगे तो एविडेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, उनके ऊपर पाबंदी रखने की एक पूरी नोटिफिकेशन है। जेएनयू ने तो इसको अपना भी लिया, दूसरे तमाम सारे यूनिवर्सिटी सभी आनाकानी में है। और एक आखिरी बात आधे मिनट में कहते हुए, मैंने कम से कम अपनी इस उम्र तक में हमसे दो चार लोग जो बड़ी उम्र के हैं उन्होंने भी देखा होगा, यूनिवर्सिटी पर सरकार के हमले नहीं होते। यूनिवर्सिटी तो बुनियादी तौर पर एक आईलैंड है, एक तरह का एक ओएसिस होता है, जहां समाज से जब हम भागते हैं तो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहां जाकर के फिर नए तरीके से समाज को देखने का एहसास करते हैं। पिछले दो ढाई तीन सालों से लगातार पूरी के पूरी केंद्रीय सरकार, मीडिया और दूसरे तमाम सारे लोग एक यूनिवर्सिटी को तबाह करना चाहते हैं, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जिसका मैं प्रोडक्ट भी। अगर आज जेएनयू अभी भी गिर गई होती तो आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी आजाद खड़ी नहीं रह सकती। कि बाकी यूनिवर्सिटी का हाल यह है कि यूजीसी में हवा चलती है तो उनके यूनिवर्सिटी में आंधियां हो जाती है। ये भला हो जेएनयू पर, मैं 100 मरतबा उसका एलमनाई होने के नाते नतमस्तक हूं उसकी हिम्मत और इंटेग्रिटी के सामने, चाहे शिक्षक और स्टूडेंट जिस भी तरीके से लड़ रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में आपको नहीं आने देंगे चाहे जिस तरह से जा। आखिर में बस इतनी ही से बात कहना है कि बहसियत एक शिक्षक के, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा घुटन का माहौल पहले कहीं नहीं था। लेकिन जिंदगी में हमेशा से मैं ऑप्टिमिस्ट रहा हूं और अवतार सिंह पाश की एक पूरी कविता का सिर्फ केवल एक लाइन, एक मिसरा आपके सामने रखता हूं और वही मेरी जिंदगी का एक गाइडिंग मोटो भी रहता है, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। क्या बात है।